हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करिए, प्रभु का धन्यवाद करें, जो हमारा परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। कि बहुत सारियां गवाहियां आ रही है जो प्रभु जो उन सभी भाई बहनों के जीवनों में अद्भुत काम कर रहे हैं। हालेलुया, क्या विश्वास करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में भी अद्भुत काम करेगा? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। यदि आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखेंगे। आज किसी न किसी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, चिंताएं आती हैं, समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। जब आप भजन संहिता में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, 94 अध्याय उसका 19 वचन, शाम्स चैप्टर 94 एंड 19, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सचमुच में जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होगी। आज जब चिंताएं में है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रार्थना करें। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, आपको परमेश्वर शांति देगा। कई लोगों के जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही हम देखते हैं बाइबल में, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब आप मार्था और मरियम के बारे में देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह जो यीशु से बहुत ही ज्यादा प्रेम रखते थे, एक दिन की बात है कि उसने अपने भाई को खो दिया जिसका नाम लाजरस था, और वो बहुत ही दुखित हो गए, बहुत ही ज्यादा दर्द से, दुख से भर गए और वेदना से गुजर रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस लाजरस की बीमारी के बारे में सुना तो वहां पर और 2 दिन के लिए रुक गए, और जब उन्होंने मार्था मरियम को रोते हुए देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने भी रोया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। देखो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए वो भी हमारे दुख में वो भी रोते हैं, वो भी आंसू बहाते हैं। जब आप दुख में जाते हैं, जब आप कष्टों में से होकर गुजरते हैं, और देखो परमेश्वर तब भी वो देख के हमें रोते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो कुछ नहीं करता परमेश्वर, लेकिन प्रभु खुद दुखित होते हैं। अर्थ ये है कि जब हम दुख में होते हैं तो प्रभु भी दुखित होते हैं, जब हम निराशा में होते हैं तो परमेश्वर दुख होते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए। हालेलुया, परमेश्वर ने अपना खून को बहाया हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े पड़े हमारे लिए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। जब हम परमेश्वर को पुकारते चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, तो परमेश्वर हमारे पुकार कर को सुनता है। जब हम इब्रानियों की किताब 5 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते, इसलिए यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसे जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की। हालेलुया, आज किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर को बल प्रदान करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, जैसे ये संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना व्याकुल हो ना डरे, किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में हमने क्या करना है, वचन में लिखा, पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय उसका 6 और 7 वचन पढ़ते हैं, तो किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर आपकी बीमारियों को दूर करेगा, आपके परेशानियों को दूर करेगा, आपकी चिंताओं को परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया, प्रभु पे भरोसा रखें, परमेश्वर पर, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। वो सब कुछ ठीक करने के, बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, वो संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, और आप भी अपने जीवन में अद्भुत गवाही को देखोगे। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। ये फरवरी महीना है, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा, आशीषों को लेकर आएगा। हालेलुया, इसलिए प्रार्थना आपके जीवन में एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए।
प्रार्थना करें, चिंताएं में है प्रार्थना करें, परेशान है प्रार्थना करें, बोझ से दबे हुए प्रार्थना करें। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रभु टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, ठीक करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु पे भरोसा रखें। हालेलुया। विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा को देखोगे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यदि चाहते अपने जीवन में भी अद्भुत कामों को देखने, यदि चाहते हैं अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को देखना, यदि चाहते हैं छुटकारा प्राप्त करना, आशीष प्राप्त करना, शांति, तो आज परमेश्वर के निकट आइए। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद की भरपूरी। विश्वास करो तो प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और जय जयकार हो। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। छुड़ाने वाला, मदद करने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, की सारी चिंताओं को दूर करना, इनकी परेशानियों को दूर करना। प्रभु यीशु हम प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं। हमारा मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाला, सब में सब कुछ परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और जयकार करते हैं। प्रभु की महिमा करते हैं, रब का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का अनुग्रह दे, आज प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा देकर चलाए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करते हैं स्पिरिट को, हर एक सैटेनिक स्पिरिट को, मैं डांटते आपके जीवन से छोड़कर जाए, यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। वी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करते चंगे हो जाए। हर एक बीमारी को डांटते यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रब खतिर रब शांत रब खतिर ओ रब खतिर रब शांत रब खतिर रब खतिर। मैं प्रार्थना करती हूँ जाते हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक बीमारी को डांटते आपके जीवन को छोड़ के जाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कोई भी बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हर एक दर्द खत्म हो जाए, हर एक बीमारी खत्म हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वी बिलीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु, ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बीमारियों को, हर एक दर्दों को मैं डांटती हूँ आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपके परिवार को छोड़ के जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, जयकार हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। मैं प्रार्थना करते हर एक दर्द को आपके जीवन से निकालते, हर एक बीमारी को डांटते, हर एक इलाज बीमारी को डांटते आपके जीवन से, यीशु के सामर्थ्य आपके शरीर से जाए। डांटो उस बीमारी को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम। डांटो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की लालच बीमारी, चाहे पीलिया हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे सर्दी खांसी या बुखार हो, चाहे ज्वाइंटिस हो, चाहे आपका घुटने का दर्द हो, हड्डी की रोग और समस्या हो, चाहे वो आपकी बॉडी में दर्द हो, स्किन की एलर्जी हो, यदि घाव हो, यदि इन्फेक्शन हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते चंगे हो जाओ। यदि अस्थमा हो, यदि माइग्रेन की समस्या, यदि डिप्रेशन हो, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। जिनको कोरोना पॉजिटिव है या किसी न किसी बीमारी की वजह से जो एडमिट है, जो आईसीयू में है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जीवन की घोषणा करते हैं आपके ऊपर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी को डांटते जाओ, यीशु के सामर्थ्य से निकालती हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की ज्योति आपके चमके, आजाद हो जाए अंधकार की शक्ति को, आपके जीवन से ठटती निकल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दर्द खत्म हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बीमारी जाए, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। वी डिलीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोरोना जिनका पॉजिटिव है, चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, अपने चंगा कर दे, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर, हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक बीमारी से आजाद हो जाए, और गवाही के साथ वापस आए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले, मेरा गवाही का जीवन है, मेरा गवाही का दिन है आज, यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं अद्भुत कामों को अपनी आंखों से देखूंगा, यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं अद्भुत कामों को आपके जीवन में घोषणा करती हूं, प्रभु छुटकारा देते। धन्यवाद करती हूं आपके हाथों कमाई को ब्लेस करती हूं, आशीष की घोषणा करती हूं परमेश्वर, के हर एक एक जरूरतों को पूरा करके दे। मैं प्रार्थना करती हूं जिनके पास जॉब नहीं, उनको जॉब से ब्लेस करते, कमाई के हिस्से को मैं ब्लेस करती हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में मैं तारीफ करती हूँ। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करती हूँ। महिमा में परमेश्वर, आपकी स्तुति और जय जयकार करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। ओ रबा खतिरा डबा शंतरा डबा खतिरा, प्रभु छुटकारा दे दिया, प्रभु चंगाई को डेल दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, जॉब से ब्लेस करती जिनके पास जॉब नहीं, आशीष की घोषणा करती, आपका बिजनेस में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, आपके कमाई के हिस्से को, आपके कमाई के सोर्स को मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। आपका बिजनेस चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे स्पा हो, चाहे सैलून हो, चाहे आप कोई भी आप काम करते हैं, वो आशीष होकर बदल जाए। आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करते, न्यू प्रोजेक्ट के साथ ब्लेस करती यीशु के समर्थ नाम में। धन्यवाद यीशु, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक एक जनों को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी शादीशुदा जीवन में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, आपके बच्चे में आशीष की घोषणा करती हूँ यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपके हर एक बच्चे को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, परमेश्वर के बच्चों को स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। हर एक जवान भाई बहनों को भी यीशु के लहू में कवर करती हूँ, हर एक बुरी संगति से जात हो जाए, बुरी आदतों को मिटाती आपके जीवन से जाए, हर एक विचार के स्पिरिट जाए आपको छोड़ के यीशु के समर्थ नाम में। प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती यीशु मसीह के समर्थ नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक नशे जो नशा करते हैं, चाहे छोटा नशा हो चाहे बड़ा नशा हो, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए एक नशे से यीशु मसीह के समर्थ नाम में। प्रभु नशे से छुटकारा दे दे। धन्यवाद करती हूँ आपकी मैरिड लाइफ में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, शादीशुदा जन ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, का घर जुड़ जाए यीशु के समर्थ नाम में। जिनका केस चल रहा है मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, और अब जीतेंगे यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया। ओ लॉर्ड जीसस, मैं धन्यवाद करती हूँ। एडवांस आपकी स्तुति में मैं तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। धन्यवाद यीशु। अब जल्द आने वाले परमेश्वर आप किसके लिए तैयार करो, हर एक एक जन को प्रार्थना का आत्मा देना, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह देना, पीछे चलने वाले को बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में। हालेलुया, हर एक सैटेनिक स्पिरिट को आपके जीवन से निकालती हूँ। हालेलुया, परमेश्वर आज रात को परमेश्वर मीठे प्यारे नींद दे, परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करके दे, परमेश्वर का प्रार्थना करने का अनुग्रह दे, अभिषेक दे यीशु के समर्थ नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया मैं धन्यवाद करती हूँ। अब जल्द आने वाले उसको तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आज की प्रार्थना को शेयर करना न भूले। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रार्थना करें, प्रार्थना में बढ़ते जाएं। हालेलुया, वचन पढ़े और वचन के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम। तो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया प्रेयर सेंटर में, आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप नंबर में भेजें, अपने टाइथ अपने दशमांश को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और या फिर बैंक डिटेल्स के थ्रू दे सकते हैं, अपने दशमांश अपने भेंट अपने थैंक्सगिविंग को। और चर्च भवन की जमीन कर प्रार्थना करें मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए और टीम के लिए, प्रेयर वॉरियर करता कि और परमेश्वर के काम को कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।